हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ निगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं फिंगर चिप्स, चावल से बने हुए, बहुत बढ़िया, एकदम आसान तरीके से घर में बनाइए, इंजॉय कीजिए ठंडी के मौसम पे। चलिए शुरू करते हैं। फिंगर चिप्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है चावल का आटा, यहाँ पे मैंने लिया है बेसन। तो चावल मैंने एक कटोरी लिया है और बेसन आधी कटोरी लिया है, तो इसको एक साइड रख देते हैं। यहाँ पे मैंने एक थाली लिया है, एक छन्नी लिया है, तो हम इसमें डालेंगे बेसन, इसमें डालेंगे चावल का आटा। इसी कटोरी से आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का मेजरमेंट मैंने किया है कटोरी से, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा से बेकिंग पाउडर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा टेबल स्पून है, थोड़ा सा इसमें हम नमक डालेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी सी अजवाइन का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। नमक हमको बाद में डालना है, सॉरी मुझसे गलती हो गई। तो यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं, फिर इसको चाल लेते हैं तो बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। ये सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट हो गया है। अब चलते हैं आगे का प्रोसेस करते हैं। गैस पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, गैस को ऑन कर दिया है। यहाँ पे अब हम डालेंगे पानी, पानी अंदाज के भी डाल सकते हैं एक कटोरी की, उसमें आप दो कटोरी तीन कटोरी इसमें पानी डाल सकते हैं, परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने एक लोटा पानी लिया था तो इतना मैंने बचा लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें हम थोड़ा से ऑयल डालेंगे, दो चम्मच डाल रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार डालना है क्योंकि अभी मसाले जब इसमें हम लगाएंगे तो उसमें भी नमक पड़ेगा, तो इसीलिए ज़्यादा नमक नहीं डालना है। थोड़ा सा इसमें उबाल आने देते हैं, पानी में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण ऐसे डालेंगे, डाल के इसको थोड़ा ऐसे से मिलाते जाएंगे। अब गैस को इस समय मीडियम फ्लेम पे हम कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत परफेक्ट मिक्स बन चुका है। अब हम गैस को इस स्टेज पर ऑफ कर देंगे, इसको बाहर तक ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा मिक्स ठंडा हो रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाले लिए हैं, यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ी सी राई लिया है छोटी वाली, ये सरसों जो इसमें तेल पिराया जाता है तो वो यू वाली राई है। यहाँ पे मैंने जीरा लिया है, थोड़ी सी पुदीना लिया है, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी दालचीनी लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जावित्री है, थोड़ी सी सौंफ लिया है, लाल मिर्च है, धनिया है सूखी वाली। मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने इलायची भी लिया, छोटी इलायची बड़ी इलायची आप ले सकते हैं। तो ये मसाला हम इसको भून लेते हैं थोड़ा से, तो बहुत परफेक्ट मसाले बन जाएंगे। गैस पे मैंने तवा चढ़ा दिया था पहले से, तो ये गर्म हो चुका है। यहाँ पे अब हम धीरे धीरे करके सभी मसालों को भून लेते हैं, जहाँ तक इकट्ठा ही भून सकते हैं क्योंकि हल्का हमको गर्म करना है, ज़्यादा भूनना नहीं है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर मैं इकट्ठा सभी चीज़ों को डाल दिया है। अब इसको हल्का से हमें लाइट कलर करना है, फिलहाल सोच लीजिए कि सेंकना है हल्का से बस। तो लीजिए मसाले हमारे बढ़िया रेडी हो चुके हैं, अब इनको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे, फिर ग्राइंडर जार में डाल के बढ़िया ग्राइंडर कर लेंगे। अगर ग्राइंडर जार की सुविधा नहीं है तो सिर में भी पीस सकते हैं, बहुत परफेक्ट हल्का से दरदरा रहेगा तो बहुत परफेक्ट लगता है खाने में। मिक्स हमारा हल्का हल्का ठंडा हो चुका है, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे इतना लिए हैं फुलसा में, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे ऐसे कुछ कर लेते हैं, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा इसी तरह करते हुए हमको लोइया भी बनाना है इसकी, देख सकते हैं कुछ ऐसी लोइया बन चुकी है। यहाँ पे हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, अब इसको बेल लेते हैं, अभी ये गर्म है हल्का हल्का, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आटा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और फिर इसको हल्का हल्का ऐसे हल्के हाथ से बेल लेनी है,
यहाँ पे मैंने इतना कुछ बेल लिया है तो ये कुछ ऐसे इसमें बना हुआ है, तो क्या करिए इसको चाकू से ऐसे निकाल दीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। फिर इसको बीच से ऐसे कट कर देंगे तो हमारे फिंगर चिप्स बढ़िया रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी तरह सभी को बढ़िया बना लीजिए। फिंगर चिप्स में तो होल करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने कट करके होल किया था उसमें। यहाँ पे मैं सही तरीका बता रही हूँ कि ऐसे बेल लीजिए और फिर एक फोक लीजिए, फिर इसमें ऐसे ऐसे करके होल इसमें कर दीजिए, क्योंकि होल करना जरूरी रहेगा। अगर फिंगर चिप्स फूल जाएंगे तो कड़क नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे ऐसे होल करके तब कट कीजिए। ये बिल्कुल आसान है, अब बढ़िया फिंगर चिप्स बनेंगे। फिर इसको ऐसे कट कर लीजिए, बढ़िया बहुत आसानी से हो जाता है। अब थोड़ा चावल का आटा है तो थोड़ी सी मेहनत तो दिमाग तो लगता ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कुछ ऐसे कर रही हूँ। अब हम इनको फिंगर के शेप में कट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इतने सारे बना लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्राई करने के लिए रेडी हो गए हैं। तेल हमने पहले से गैस पे चढ़ा दिया था, देखिए कढ़ाई पे तो तेल हमारा बढ़िया गर्म हो चुका है। ये तेल बढ़िया गर्म होना चाहिए, एकदम मीडियम तेल नहीं गर्म होना चाहिए, क्योंकि हम फिंगर चिप्स बना रहे हैं चावल का है तो ये गड़बड़ हो जाएगा अगर मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा टाइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक एक करके इसमें डाल रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है ये तेल। और इसको हमको तेज ही आँच में इसको पकाना है, मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना, नहीं ज़्यादा कड़क हो जाएंगे, चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप ज़्यादा कड़क पसंद करते हैं तो मीडियम फ्लेम पे भी पका सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिंगर चिप्स हमारे बढ़िया रेडी हो चुके हैं, हमने हिलाते डुलाते हुए बढ़िया इनको पका लिया है। देख सकते हैं बहुत परफेक्ट हैं। अब इनका बढ़िया तेल ऐसे निकाल के थोड़ा सा ऐसे एक प्लेट में ऐसे निकाल लेंगे, देखिए आपको आवाज़ आ रही होगी कितने बढ़िया कड़क हैं। देख सकते हैं बहुत परफेक्ट बने हैं, इसी तरह हम सभी को बना लेते हैं। हमारे फिंगर चिप्स रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट बने हैं। यहाँ देख सकते हैं आवाज़ आ रही होगी, बहुत मस्त हैं। यहाँ पे आपको मैं तोड़ के ज़रूर दिखाऊंगी, देख सकते हैं बहुत अच्छे हैं। अब इसमें हम मसाले मिलाएंगे, तो यहाँ पे मैंने लिया है काला नमक, क्योंकि सफ़ेद नमक मैंने पहले से ऐड किया था इसमें, तो यहाँ पर हम काला नमक डाल देते हैं। और इसमें हम मसाले डालेंगे जो हमने बना के रखे थे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे डालूंगी पास्ता मसाला, क्योंकि मुझे इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास पास्ता मसाला नहीं है तो क्या करिए, इसमें थोड़ी सी चीनी पीस के डाल दीजिए, बिल्कुल आधा चम्मच, तो इसका फ्लेवर बिल्कुल वैसे ही आएगा। तो इसको मिला लेते हैं, तो इसको हम एक ढक्कन ऐसे बंद करके और ऐसे ऐसे उलट पलट देंगे तो बहुत बढ़िया मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने बढ़िया से मसाले मिला चुके हैं। इसमें क्या होता है ना, कभी कभी तेल कम रहता है तो मसाला चिपकते नहीं हैं, तो इसमें मैंने 2 चम्मच गरम ही तेल डाल दिया है, तो इसमें मसाले बढ़िया से चिपक गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट हैं। अगर इसमें आप फूड कलर पसंद करते हैं तो डाल दीजिए थोड़ा सा फूड कलर, तो क्या होगा थोड़ा कलर और अच्छा आ जाएगा। मैंने यहाँ कुछ भी नहीं डाला है, इसका बस ऐसे ही बना के तैयार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट, देखिए चाय के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत मस्त बना है, देख सकते हैं बहुत परफेक्ट, ये स्वाद भी बहुत अच्छा है इसका। तो लीजिए हमारे फिंगर चिप्स एकदम रेडी हो चुके हैं, चाय के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत परफेक्ट बने यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो हमारी आपको कैसी लगती है। थैंक यू दोस्तों।